क्या घटना हो रही है वहाँ पे? वहाँ पे मारपीट हो रहा है, काटता है तमिलनाडु का आदमी हिंदी वाले को। आपके सामने भी किसी के घटना हुई है क्या? नहीं हुआ नहीं है, लेकिन मोबाइल पे बहुत आया है, देखे हैं, हकीकत बात है। तब हम लोग भागे हैं वहाँ से, जैसे वैसे भागे। आपका परिचय, कहाँ से हैं आप? मेरा घर डिस्ट्रिक्ट सहरसा हुआ। क्या करते थे वहाँ? काम करते थे। किस चीज़ का काम? राजमिस्त्री का। फिर जाइएगा? अब नहीं जाएंगे। क्या राज्य के मुख्यमंत्री से क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं आप? ग्रुप का आदमी से चला गया, आप ट्रेन पकड़ना है, घर जाना है। हाँ तो हम घटना हो रही है वहाँ पे, वही मारपीटी हो रहा और ये काटा काटी हो रहा। हम लोग तो किसी तरह जान वहाँ पे बचा के निकले हैं। हम लोग 3 दिन पहले रूम में पैक रहे हैं, उसके बाद पर निकले हैं। जब लगा कि हाँ माहौल सही है, ठंडा है, तो हम लोग निकले हैं वहाँ से। आपके सामने घटना हुई है? हाँ, हम लोग के सामने हुई है। हम लोग के बहुत सारा कंपनी में जो काम करते थे, धीरे धीरे सारा मजदूर लोग निकल गया। जो जो काम करते थे वहाँ के लोग धीरे धीरे सारा निकल गए हैं। जिनके साथ घटना हुई है वो कहाँ के रहने वाले? सारे बिहार के लोग थे, बिहार भाई लोग थे, सब अलग अलग देशों के थे। क्या कहते थे? क्या कहते थे? जो तमिल वाला लोग था, वो तमिल वाला लोग कहना है कि यहाँ के लोग यहीं काम करें, हिंदी हिंदी का लोग नहीं काम करें यहाँ पर। वीडियो वगैरह आया है, बहुत सारा आया है। टेंशन है, वीडियो डाल दो। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच, हम लोग का ट्रेन है। क्या घटना हो रही है वहाँ? तमिलनाडु में घटना ये हो रही है, हम लोग रेंगट कोटाई में काम करते थे, वहाँ पे कंपनी के आदमी सब देख रहे हैं, तमिल वाले लोग भाई लोग पी के आ रहे हैं और बोल ये रहे हैं कि हिंदी तेरी अदा। बोले ओके ओके है ना, काट रहा है आदमी को, हमारे आंखों के सामने 3 आदमी को काट दिया और गर्दन यहाँ तक कटा और आधा छोड़ दिया गर्दन कटा हुआ। उसमें भी अगर उसको बर्दाश्त नहीं हुआ, चाकू मार रहा है, पेट में चाकू मार रहा है, गर्दन में, पीठ में सगरों चाकू मार के उसको जान मार दे रहा है हिंदी वाले भाइयों को। और उसके बाद फिर क्या हुआ, हम लोग देखने के बाद हम लोग गेट पैक कर लिए, 3 से 4 दिन तक हम लोग अंदर में ही रहे, रूम में पैक रहे। देखे माहौल थोड़ा सा ठंडा हुआ, उसके बाद हम लोग स्टेशन की ओर भागे और भागने के बाद ये देखे हैं कि हम लोग को टिकट भी नहीं मिल रहा है। हम लोग जैसे तैसे भूखे प्यासे हम लोग कैसे कैसे यहाँ तक पहुँचे। हम लोग को बिहार जो संगमित्रा एक्सप्रेस चलती थी उसमें भी हम लोग को जगह नहीं मिल पाया, कन्फर्म टिकट हो करके भी उसमें नहीं बैठ पाए, इतना ज़्यादा भीड़ हो रहा है, बिहारी भाइयों को मार मार के भगाया जा रहा है। 20 तारीख तक चांस दिया है, 20 तारीख तक अलाउड किया है कि टोटल बिहारी आदमी हिंदी वाले आदमी खाली कर दो तमिलनाडु को, नहीं तो अंजाम बुरा होगा, एक एक आदमी को काट दिया जाएगा। सरकार तो सुविधा दे रही है। सरकार क्या सुविधा दे रही है? वहाँ अपने उच्च स्तरीय जांच टीम और अधिकारियों की, ये सब बड़े बड़े पॉलिटिक्स है सर, ये सब बड़े बड़े पॉलिटिक्स है, बड़े बड़े पॉलिटिक्स का दिमाग है, ठीक ना। पैसा खाने का चक्कर में गरीब कभी गया है? कभी नीतीश कुमार का बेटा कभी गया है तमिलनाडु काम करने के लिए? कभी कभी लालू यादव का बेटा तेजस्वी कभी गया है? वो जाता है केक खाने के लिए, पॉलिटिक्स करने के लिए, राजनीतिक करने के लिए, कैसे देश को चलाना है, किसको मरवाना है, किसको कटवाना है, उस सब का बाल बच्चा कभी गया है वर्कर के रूप में काम करने के लिए? कभी नहीं गया है। गया है कौन? गरीब आदमी गया है जो कि अपना पेट पालने के लिए 500-1000 रुपया का वर्क काम करने के लिए, वह सब आदमी पॉलिटिक्स खेल रहा है। और हम ये चाहते हैं कि हमारे बिहार में कंपनी हो, अच्छे अच्छे कंपनी हो और उसमें वर्कर काम करें, हमारे बिहार के लोग, झारखंड के लोग काम करें उसमें, और ज़्यादा उसमें नहीं चाहते हैं कुछ।